स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेटीएम अकाउंट कैसे डिलीट करें। पेटीएम अकाउंट डिलीट करना सीखने के लिए अगर आप पेटीएम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको सबसे आसान और कम समय में बताने वाला हूं कैसे आप पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको पेटीएम ऐप को ओपन करना है, आपको अपने फिंगर से इसे अनलॉक कर लेना है। अब पेटीएम ऐप का जो इंटरफेस है आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको पेटीएम अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के आइकन पर टच करना है। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक फीचर ढूंढना है जिस फीचर का नाम है हेल्प एंड सपोर्ट। आपको हेल्प एंड सपोर्ट पर टच करना है। अब आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। आपको अब यहाँ पर व्यू मोर पर टच करना है। व्यू मोर पर टच करने के बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख सकते हैं। आपको अब यहाँ पर व्यू ऑल सर्विस पर टच करना है। व्यू ऑल सर्विस पर टच करते ही आपके सामने ये सभी सर्विस यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगी। आपको अब यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग्स पर टच करना है। प्रोफाइल सेटिंग्स पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने चैट विथ यूज का फीचर आ जाएगा। आपको अब यहाँ पर चैट विथ यूज पर टच करना है। चैट विथ यूज पर टच करने के बाद आपकी चैट यहाँ पर पेटीएम के सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट डिलीट करने के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन पर टच करना है, आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट। आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट पर टच करेंगे तो यहाँ पर पेटीएम के सिस्टम की तरफ से आपको एक मैसेज आ जाएगा। आप अगर अपने पेटीएम अकाउंट को सभी डिवाइस से लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस पर टच करने के बाद अपने सभी फोन से पेटीएम अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें अपना अकाउंट डिलीट करना है तो इसलिए हम यहाँ पर नो क्लोज माई अकाउंट पर टच करेंगे। ध्यान रहे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप यहाँ पर नो क्लोज माई अकाउंट पर टच करेंगे। पेटीएम के सिस्टम की तरफ से हमें एक और रिप्लाई आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लोज अकाउंट पर टच करना है। क्लोज अकाउंट पर टच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। आपको अब यहाँ पर रीजन सेट करना है, आप अपने पेटीएम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। आई हैव टू अकाउंट, अगर आपके पास पेटीएम के दो अकाउंट है तो आप ये रीजन चुन सकते हैं। आई डू नॉट हैव एक्सेस दिस नंबर, अगर आपने किसी ऐसे नंबर से अपना पेटीएम अकाउंट बना लिया है जो आप एक्सेस नहीं करते, जो यूज नहीं करते, तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। और यहाँ पर है आई डोंट यूज पेटीएम अकाउंट, अगर आप इस पेटीएम अकाउंट को यूज नहीं करते तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। और यहाँ पर है आई एम नॉट हैप्पी विद पेटीएम सर्विस, अगर आप पेटीएम की जो सर्विस है उससे खुश नहीं है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन चुन सकते हैं। इन चारों ऑप्शन के अलावा अगर कोई और ऑप्शन आप चुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अदर्स पर टच करने के बाद कोई अलग ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज माई अकाउंट पर टच करना है। और अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पेटीएम अकाउंट लिंकेड टू, और आपका यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देगा, हैज बीन क्लोज, और यहाँ पर आपका जो पेटीएम अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है पेटीएम अकाउंट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।